ਸਾਵਾਦਾ ਵੀਰ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਪਧਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਮੀ कटके सर सुन पा रहे क्या हमें आप? हाँ सर, नवोदय जय भीम सभी को, जय भीम सभी नवोदय सर। साथियों बहनों और भाइयों को प्यार भरा नमस्ते, जय भीम। आज आज का कंसेप्ट विद पीपल का कंसेप्ट बताते वक्त मुझे बड़ा हर्ष होता है कि पिछले 7 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और हम लोग आज 145 लोग हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे रहना, इकट्ठे होकर जुड़ना, एक दूसरे के साथ उनका विचारों का आदान प्रदान होना, ये एक छोटी बात नहीं है। ये जब इंसान का, एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर जब विश्वास पैदा होता है, उसी का ही ये नतीजा होता है। और ये सभी संभव होता है इकट्ठा होने से। और इसके संदर्भ में मैं तथागत बुद्ध की, धम्मपद की एक गाथा आपको बताना चाहता हूं। बुद्ध वग्गो, जो धम्मपद में जो चैप्टर है उसमें एक गाथा है, सुखो बुद्धान उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समग्गानं तपो सुखो। बुद्ध का उत्पन्न होना सुखदायक होता है, धम्म की देशना धम्म का उपदेश सुखदायक होता है, और सुखदायक होता है संघ में एकत्रित आना, इकट्ठा होना, और सुखदायक होता है एकत्रित आकर, इकट्ठा आकर तप करना, मेहनत करना। तो इसमें से जो तीसरी लाइन है, सुखा संघस्य सामग्री, संघ की एकता हमेशा सुखदायक होती है, ऐसा बुद्ध धम्मपद में कहते हैं। ये बात ठीक आज विद पीपल को लागू होती है, जैसे कि वैसे तंतोतंत लागू होती है। अब ये बात जब लागू हुई, तथागत बुद्ध ने संघ का निर्माण किया, पहले बुद्ध अकेले सम्यक संबुद्ध हुए, फिर बाद में पंचवर्गीय भिक्खु को इकट्ठा किया, फिर यश नाम का एक लड़का था उसको मिले और उसके 55 दोस्त थे, ऐसे मिलके 60 लोग हो गए। तो बुद्ध ने संघ डिक्लेयर कर दिया और देखते देखते भगवान बुद्ध के संघ में 10,000 लोग जुड़ गए थे। उसमें से ऐसा कहा जाता है कि करीब 3-4 हजार लोग अर्हत थे, जो कि सारे दुख से मुक्त हो चुके हुए मानव थे। ये संभव कैसे हो पाया, इसकी टेस्ट लेने के लिए भगवान बुद्ध ने एक दिन एक भिक्खु की परीक्षा ली। हमें पता है जिन साथियों ने बुद्ध एंड हिज धम्मा पढ़ा हो तो हम सभी को ये कहानी पता है। ये कहानी है पूर्ण भंते की। पूर्ण भंते, जो पूर्ण नाम का एक उपासक था, शुरू में वो सुनापरांत राज्य में रहा करता था। सुनापरांत यानी आज का जो महाराष्ट्र है, जहां से बाद में 200 साल के बाद सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संगमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था, बोधि वृक्ष की एक ब्रांच लेकर और धम्म का संदेश लेकर। तो सारा श्रीलंका उसकी वजह से बुद्धमय हुआ। और देखते देखते फिर सम्राट अशोक ने बर्मा, चाइना तक, थाईलैंड तक और इधर कोरिया, जापान, बाद में जाकर बुद्ध का धम्म फैल गया। ये कैसे हुआ? तो इसकी पहली परीक्षा बुद्ध ने लेने की सोची। जब पूर्ण भंते श्रावस्ती में रहते थे, भगवान श्रावस्ती में तब थे, तो वर्षावास का समय था। पूर्ण एक व्यापारी था, उसका भाई वहां का एक जो प्रांत था उसका प्रांताधिकारी था, मतलब वहां का वो एक राजा होगा उस सूबे का। तो पूर्ण को बचपन से ही ऐसी आदत थी कि वो कोई अच्छी बात हो, धर्म से रिलेट हो, धम्म से रिलेट बात हो, तो वो बात मैंने सीखनी चाहिए, उसका पहला बचपन से स्वभाव था। तो पूर्ण भिक्खु संघ में शामिल हुआ, सारा बुद्ध ने जैसा कहा, आनापान सति किया, विपस्सना किया, मेत्ता भावना किया, कसीना मेडिटेशन किया और पूर्ण अर्हत हो गया। तो बुद्ध ने सोचा कि इसकी अब परीक्षा लेते हैं कि क्या कितना परिपक्व हो गया है पूर्ण। तो पूर्ण तथागत को कहता है कि भंते, मुझे अभी ये मेरा जो प्रांत है सुनापरांत प्रांत में जाना है और वहां पर मैं जाना चाहता हूँ, तथागत बुद्ध का जो धम्म है उसका प्रचार और प्रसार करना चाहता हूँ। तो बुद्ध पूछते हैं कि पूर्ण, मैंने तो सुना है कि
सुनापुरांत प्रांत के लोग बहुत झगड़ालू है, बात बातों पर झगड़ा करते हैं, तो तू क्या करेगा? तो कहता है कि भगवंत भंते, मैं समझूंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ झगड़ा ही कहते हैं, गाली गलौची करते हैं, मारते तो नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि पूर्ण, अगर वो लोग, वहां के लोग अगर तुझे मारते हैं तो तू क्या करेगा? तो कहता है कि फिर भी मैं भगवान बुद्ध का धम्म का प्रचार और प्रसार करूंगा, कहूंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, मुझे सिर्फ मारते हैं, मार ही तो नहीं डालते। बुद्ध फिर पूछते हैं कि पूर्ण, अगर वो लोग तुझ पर मारने के लिए हावी हो जाए, अगर तुझे मार देते हैं तो तुझे कैसा लगेगा? तो कहता है कि भगवान, फिर भी मैं समझूंगा कि मैं तथागत बुद्ध का धम्म का प्रचार प्रसार करूंगा और समझूंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने इस दुख भरे जीवन से मुक्त कर दिया, मार डाला, लेकिन फिर भी मैं मेरे मरते दम तक, अंतिम सांस तक, मैं तथागत बुद्ध का धम्म का प्रचार करूंगा। तो भगवंत कहते हैं कि पूर्ण, अब तू जा, ना तुझे कोई मार सकता है ना कोई मर सकता है, क्योंकि तू पूर्ण हो चुका है। तो ये बात बुद्ध ने पूर्ण के साथ कही और संघों को कहा कि देखिए सब भिक्खवे, भिक्खुओ सुनिए, मैंने पूर्ण को ये बात इसीलिए पूछी, पूर्ण का उदाहरण मैंने इसीलिए आपको, आपके सामने पेश किया, क्योंकि मैं ये आपसे बात करना चाहता था। मैं चाहता था कि पूर्ण कितना परिपक्व हो गया, जो तथागत बुद्ध ने दिया हुआ जो धम्म का संदेश है, उस धम्म के संदेश के बारे में क्या उसमें काबिलियत है। तो बुद्ध कहते हैं इसीलिए संभव हो गया क्योंकि आज जो यहाँ पर आए हुए 3-4 हजार भिक्खु हो, आप इतने परिपक्व हो गए हो क्योंकि आप में संघ की भावना आपके रग रग में, आपके सारे खून के कतरे कतरे में फैल चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि आप अब के बाद संघ की हानि नहीं होगी क्योंकि हम संघ के रूप में इकट्ठा आ चुके हैं। ये एक उदाहरण तथागत बुद्ध ने दिया। दूसरा उदाहरण बुद्ध ने दिया है वज्जी का, जो संदेश है हम सब जानते हैं, वज्जी या लिच्छवी जो वैशाली में रहते थे। जब बुद्ध का संघ बहुत ज्यादा इससे बढ़ने लगा, तो कुछ उस वक्त के बमण लोग जो थे, उन्होंने बुद्ध के धम्म की बदनामी करने की सोची। वो हरदम कोई ना कोई तरकीब निकालते थे, कैसे तथागत बुद्ध को नामशेष किया जाए, कैसे इनको डिफेम किया जाए, ये उनकी चालें हरदम चलती रहती थी। तो अजातशत्रु राजा का एक प्रधानमंत्री, ये था प्रधानमंत्री था वत्सकार। तो वत्सकार को अजातशत्रु पूछता है कि मुझे वैशाली के ऊपर आक्रमण करना है, और जाओ और तुम भगवान बुद्ध के करीब बैठो और बुद्ध से पूछो कि अजातशत्रु वैशाली के ऊपर आक्रमण करते हुए उसको अपनाना चाहता है। तो बुद्ध ने आनंद से संदेश दिया, बुद्ध वत्सकार से बात नहीं करते, बुद्ध ने आनंद को बुलाया और आनंद को कहा कि आनंद, जब तक वज्जी या लिच्छवी लोग सात बातों का आचरण करते रहेंगे, वो कौन सी बातें थी? तो इकट्ठा आना, इकट्ठा आकर जो भी कोई समस्या है उसके ऊपर चिंतन करना, और जो भी बहुमत से बात होती है उसके ऊपर अमल करना, राज्य की जितनी भी महिलाएं हैं महिलाओं का आदर सत्कार करना, बड़े बूढ़े लोगों का सत्कार करना, और भूखे लोगों का ख्याल रखना, और युद्ध करना हो तो पहले इकट्ठा आकर युद्ध की पहले स्ट्रेटेजी बनाना, या फिर संघ में जो भी खेती या कोई करना हो तो उसके लिए इकट्ठा आकर, एकत्रित आकर विचार विनिमय कर उसके ऊपर निर्णय करना और उसके ऊपर 100% अमल करना। ये बातें जब तक लिच्छवी करते रहेंगे, तो बुद्ध कहते हैं कि आनंद बता दो उसको, यानी वत्सकार को, कि तब तक लिच्छवी को कोई भी नहीं जिता सकता। ये दूसरी बात बुद्ध ने कही। इसका संदेश बुद्ध का यही था कि जब तक हम लोग, सब लोग इकट्ठा होकर रहेंगे, एक जगह पर इकट्ठा होकर हम एक साथ विचार विनिमय करेंगे, एक साथ विचार विनिमय कर उसके ऊपर ठीक ढंग से चर्चा करने के बाद उसके ऊपर अमल करेंगे, तब तक हमारी कोई हानि नहीं कर सकता। ये भगवान बुद्ध के दो जो उदाहरण है, दो जो बातें हैं, ये इसीलिए बुद्ध ने देखे कि ये बताए हैं, क्योंकि बुद्ध भिक्खु संघ और उपासक संघ की कमिटमेंट देखना चाहते थे, कमिटमेंट की परीक्षा करना चाहते थे,
और दूसरी बात ये टेस्ट करना चाहते थे कि इनका एटीट्यूड कैसा है। और बुद्ध कहते हैं कि इंसान का एटीट्यूड या दृष्टिकोण तभी बनता है जब वो इंसान खुद के प्रति वफादार होता है, और इंसान तभी खुद के प्रति वफादार होता है जब वो दूसरों को अपने जैसी तवज्जो देता है, जब दूसरों को अंडरस्टैंड करता है तभी वो दूसरों को उतना ही वैल्यू देता है अगर वो खुद को वफादार समझता है या खुद के प्रति वफादार होता है। आज यही बात अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर यूटिलाइज करके देखें तो हम ये देखते हैं कि आज हमारे करीब 29 लाख संगठन है, 4.5 लाख संगठन एक्टिव है, और ये सारे दिन रात लोगों से कुछ पैसा मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, बमन लोगों ने, मनुवादियों ने हमारे हक और अधिकार छीन लिए, इसके लिए हमें संघर्ष करना है, तो आओ हम इकट्ठा आए। लेकिन वो खुद का अधिकार और खुद का नेतृत्व तो नहीं छोड़ते, वो इकट्ठा आकर कभी एक आधा निर्णय नहीं लेते, लिया तो भी अपना खुद का निर्णय लेकर फिर वही बात करते हैं, और जो बात संघ के रूप में अपनानी चाहिए उसके ऊपर वो उतना अमल नहीं करते। इसीलिए 4.5 लाख संगठन एक्टिव होने के बावजूद भी हम करीब 85% लोगों को, करीब 100 करोड़ लोगों को इकट्ठा नहीं ला सकते, हम इकट्ठा लाने में असफल हो चुके हैं। तो ये क्यों होता है आज, ये क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हम पूर्ण बनते की तरह हमारा कमिटमेंट अभी तक उतना नहीं है, हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं बना है, हमारा वज्र की तरह इकट्ठा आना, इकट्ठा आकर सोचना, सोचकर उसके ऊपर निर्णय लेना और निर्णय के ऊपर अमल करना, इन बातों में हम लोग कम पड़े। अब यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी की थी, अपनाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर 10 मई 1938 को नागपुर में आए थे किसी कोर्ट के केस के संदर्भ में, तो सवेरे रेलवे से आना हुआ और किसी कार्यकर्ता को पता चला कि बाबा साहब का नागपुर में आगमन हुआ, और बाबा साहब दिन भर कोर्ट केस में व्यस्त थे। शाम को बाबा साहब को लगा कि लोगों को पता ही नहीं होगा, मैंने सरप्राइज विजिट दिया है, लोगों को नहीं पता होगा, देखते हैं क्या होता है, टेस्ट करके देखते हैं कि कितने लोग जागरूक हो चुके हैं। देखते देखते सारे नागपुर में शाम तक इतनी खबर फैल गई और शाम को एक सभा का आयोजन किया गया। समता सैनिक दल ने बाबा साहब को सलामी दी और उस सभा में सिर्फ लोगों के मौखिक प्रचार से 20,000 लोग इकट्ठा हुए। बाबा साहब हैरान रह गए कि मैंने तो किसी को भी नहीं बताया, और ये सभा जो हुई, ये सभा में 20,000 लोग इकट्ठा हुए कैसे? तो सभा के आयोजक कहते हैं कि बाबा साहब हम आपके ऊपर इतना प्यार करते हैं, आपका आना ही हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बना है, और आप आए हो इसीलिए हम इकट्ठा कैसे नहीं होंगे। तो बाबा साहब ने उस वक्त दो तीन बड़े अच्छे संदेश उस सभा में दिए। बाबा साहब कहते हैं कि ये क्यों संभव हुआ, क्योंकि मैंने 1920 से मेरा आंदोलन शुरू किया, 1927 में महाड़ में हम 10,000 लोग तक इकट्ठा हुए थे, और आज यहाँ 1938 में 10 मई को इतनी कड़ी धूप होने के बावजूद भी, आप शाम को काम करने के बावजूद भी मिल के लोग थे, मजदूर लोग थे, आप इतने इकट्ठा हो चुके हो, ये क्यों संभव हो सका? तो बाबा साहब कहते हैं कि मैंने 1920 को ही आपको संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब की बात वो तब का जो जो भी कार्यकर्ता था वो दिल से लगा लेता था, दिल से जो भी बाबा साहब कहते थे वो अपने दिल से करता था, और उसके प्रति बड़ी वफादारी से उसके प्रति अपना काम और अपना कर्तव्य निभाता था। तो बाबा साहब कहते हैं ये परिणाम इसीलिए हुआ कि मैंने जो आपको संदेश दिया था 1920 और 24 में, उसका आप पालन करते आए हो, इसका एक परिणाम है कि हम लोग एक ही आवाज पर 20,000 लोग इकट्ठा हुए। तो ये इसका परिणाम है कि मेरा जो संदेश आपको था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। उस सभा में बाबा साहब ने एक और बात कही। बाबा साहब कहते हैं कि 1937 की बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने 20 MLA चुन कर लाए। उस वक्त जो 17 MLA चुन कर आए थे और 3 MLA शायद विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली में विधान परिषद पर चुन कर आए थे, तो ऐसे 20 लोग तब लोक प्रतिनिधि बाबा साहब के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के हुआ करते थे। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं आपको यहाँ पर एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल पावर हमारा जो बना है, हमने 1920 से जो काम किया है,
उसका परिणाम ये हुआ कि 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो मैंने मेहनत की और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसका परिणाम ये हुआ कि 1937 के इलेक्शन में हमारे 20 प्रतिनिधि चुनकर आए, सभा में गए, विधानसभा में पहुंचे। तो बाबा साहब कहते हैं केवल इनको वहां पर भेजना ही ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ से आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप ऐसी ही बड़ी बड़ी 20-20 हजार लोगों की सभाओं का आयोजन करें, और जो भी लोक प्रतिनिधि है, जो आमदार है, वो अगर वो समाज की बात सभागृह में नहीं उठाता है, समाज के हित की बात अगर नहीं करता है, तो उसको तुम बड़ी सभा में बुलाओ और उसको जवाब पूछो। तुम उसको पूछो कि तुम क्यों काम नहीं करते हो। अगर वो समाज के प्रति वफादार है तो जरूर वो अपनी आवाज सभागृह में उठाएगा। और बाबा साहब कहते हैं कि ये सभा का आयोजन आप करो और उसका रिपोर्टिंग मुझे करो कि कौन वफादार है, कौन आपके सवालों का जवाब दिया है। ये टेस्ट लेने के लिए बाबा साहब ने वहां पर संदेश दिया था 10 मई 1938 में। फिर ऐसी सभा जगह जगह पर सभा लगी, नागपुर में सभा लगी थी, जलगांव में सभा लगी, नासिक में सभा लगी, मुंबई में लगी, पूना में लगी, और हर सभा में जैसा बाबा साहब ने आदेश दिया था, सारे लोगों ने लोक प्रतिनिधियों को बुलाया, और जो भी लोक प्रतिनिधि जो आमदार थे वो वफादार नहीं थे, उनको जवाब दिया, वो रिपोर्टिंग बाबा साहब को किया। तो जब वो लोक प्रतिनिधि बाबा साहब को मिलने गए तो घबराए हुए थे, वो बोलने लगे कि बाबा साहब आपने किया, वो सारा तो संदेश हम देते, सारा झगड़ा हम करते सभागृह में, समाज के प्रति तो हम इकट्ठा होते। बाबा साहब ने उनको कहा कि ये मैंने इसीलिए करने को बोला है कि समाज इकट्ठा हो चुका है, और जब समाज इकट्ठा होता है तो वो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करता है, और अगर लोक प्रतिनिधि जो राजकारण में या पॉलिटिक्स में काम करता है वो अगर वफादार नहीं है, अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी ठीक से निभाता नहीं है, तो उसके लिए उसको वापस बुलाने का अधिकार भी समाज के लिए। यही अगर बाबा साहब का संदेश आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो क्या हम कर सकते हैं? अभी हमारे पार्लियामेंट में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा और लोकसभा में, और सारे 28 राज्यों के और 12 यूनियन टेरिटरीज के विधानसभाओं में 1500 आमदार है, एमएलए एमएलसी है, लेकिन क्या हमारी अभी अहमियत है कि हम लोगों को ऐसी 20,000, 50,000, 1,00,000 की सभा आयोजित करें और उसमें इन एमएलए एमपी को SC ST के क्यों ना हो, इनको क्या हम बुला सकते हैं और जवाब पूछ सकते हैं? तो आज का वर्तमान का जवाब इसका नहीं है। इसका मतलब है कि बाबा साहब ने और बुद्ध ने जो संदेश दिया था वो संदेश हमने पिछले 70 साल के बाद भी, और बाबा साहब के डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने के बाद भी, और इतना स्ट्रॉन्ग संविधान होने के बावजूद भी हम लोग वास्तविकता में नहीं लाए हैं, यही हमारा अपयश है। लेकिन बाबा साहब फिर कहते हैं, बाबा साहब 5 अप्रैल 1938 के स्वतंत्र मजदूर पक्ष जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी उसमें फिर युवाओं को मार्गदर्शन करते हैं, तो कहते हैं इसके लिए निराश मत होना, क्योंकि आपके लोग और आपके काम अगर नहीं आते हैं तो निराश नहीं होना, उसके लिए आप अपना संगठन बढ़ाते रहना, आप हमारा अपना संघ जो है वो दिन ब दिन बढ़ाते रहना है। तो बाबा साहब कहते हैं कि वो बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, तो संघ बढ़ेगा कैसे? तो बाबा साहब कहते हैं सील और सौजन्य से ही हम कोई भी चीज कर सकते हैं। अगर हम सिलवान हो, हम अपने प्रति वफादार हो, मैं अगर सिलवान हूं और मैं दूसरों खुद के प्रति अगर वफादार हूं और दूसरों का मैं आदर करता हूं तो लोग मुझे डरते हैं। तो बाबा साहब सभा में युवकों को कहते हैं, विद्यार्थियों को कहते हैं कि आप सील और सौजन्य के बारे में आप ज्यादा जानकारी लो, आप ज्यादा प्रैक्टिस करो आदमी, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि जो इंसान सील और सौजन्य नहीं मानता वो आदमी हिंसक पशु से भी ज्यादा क्रूर और भीतिप्रद है। और यही संदेश बाबा साहब ने उन स्टूडेंट्स को दिया। फिर स्टूडेंट का यूनियन भी बना 1938 में, और फिर बाबा साहब ने 12 और 13 फरवरी 1938 में मनमाड़ में, जो कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में है, वहां पर फिर एक रेलवे एम्प्लॉयज को संदेश दिया और युवा भी वहां पर थे। तो आप बाबा साहब कहते हैं कि आप सार्वजनिक हित की सभाओं में हिस्सा लेना शुरू कर दो, आप अगर
सिर्फ रोटी खाकर या खाना खाकर ही जी नहीं सकते। अगर इंसान का जीने का मकसद केवल खाना पीना और जीना ही है तो ऐसे इंसान का जीने का कोई हक नहीं बनता और ऐसा इंसान समाज के ऊपर बोझ है। इसीलिए हम हमारे काम के प्रति और हमारे कर्तव्य के प्रति गंभीर होना चाहिए। ये संदेश बाबा साहब ने 1938 में दिया। और बाबा साहब कहते हैं कि अच्छी बात करने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, ये अपने आप से नहीं आता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब मैं अमेरिका में स्टूडेंट करके गया था तो मुझे 2 साल की स्कॉलरशिप मिली थी। तब पहले 2-3 महीने मैंने कुछ नहीं किया, बाद में मुझे पूरा झटका लगा और मैं सोचने लगा कि सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने मुझे स्कॉलरशिप क्यों दी है। तो तब से मैं जागरूक हुआ और मैं 20-20 घंटे तक पढ़ाई करता रहा। और जब मैं पढ़ाई करता रहा तो मैंने सारे दुनिया के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, जितने भी फिलोसॉफर्स थे, सबको मैंने पढ़ा। और इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे सारे शिक्षक थे गोल्डन वाइजर थे, जॉन डुई थे, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर थे। ये लोग मुझे टीचर्स रूम में इसलिए बुलाते थे कि कैसा लड़का है, 20-20 घंटे तक पढ़ाई करता है और हमसे बहस भी करता है, और यहाँ यहाँ पर आया ना शराब पीता है ना स्मोकिंग करता है, इतना सीलवान लड़का है, कैसा है भीमराव। तो मेरी इज्जत इससे बढ़ी कि मेरे टीचर भी मेरे साथ बहस करते थे और मैं टीचर की बात भी काटने लगता था। तो बाबा साहब युवकों को यहाँ पर ये संदेश देते हैं कि मैंने ये ठाना कि मेरा जीवन किस लिए है, मैं किस लिए अमेरिका में आया हूँ और किस लिए मैं ये लंदन में आ पहुंचा हूँ। तो मेरा एक कर्तव्य है कि जिस समाज से मैं पैदा हुआ हूँ उस समाज की हालत अगर अभी खस्ता है, वो अभी भी निराशाओं में जी रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तो मेरे पढ़ने का मकसद ही क्या है। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अगर मैं समाज के प्रति वफादार नहीं हूँ, समाज के प्रति अगर मैं कार्यरत नहीं रहूँ, काम नहीं करता रहूं, तो यही संदेश बाबा साहब ने दिया कि आप अपने पढ़ाई के ऊपर बहुत बढ़िया बड़ा ध्यान रखो। बाबा साहब कहते हैं कि किसी ब्राह्मण के घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ किस कोर्ट में जज की जगह खाली है इसका ही इंतजार करती रहती है, इसके बारे में सोचती है। लेकिन हमारे घर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो किसी झाड़ू वाले की जगह खाली है, वहां पर हमारा लक्ष्य होता है। ये हमारा कम ध्येय रखना ही हमारा गुनाह है। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि हमारा ध्येय महान होना चाहिए। चाहे हम कपड़े अच्छे गंदे पहनते हो, कपड़े खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं हो, लेकिन हमारा ध्येय जो है, हमारा उद्देश्य है, ये महान होना चाहिए। और दूसरी बात कहते हैं कि सत्य का साथ हम कभी ना छोड़े, क्योंकि शुरू में सत्य तो तकलीफ देता है। सत्य का काम करते वक्त पहले बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है, लेकिन अंततः सत्य जब विजित होता है तो सत्य का एहसास बहुत बड़ा होता है, सत्य से ताकत बढ़ती है, सत्य से आत्मविश्वास बढ़ता है। और हमारा जो 18 साल का जो आंदोलन बढ़ा है, एक केवल मैंने लोगों के बीच अपनी निष्ठा और सत्य की शिक्षा देने का प्रयास किया और आप लोगों ने उसके ऊपर कड़ाई से उसका पालन किया, इसीलिए हमारा आंदोलन सक्सेसफुल हुआ है। कांग्रेस के इतने कड़वे विरोध के बावजूद भी हमारे 20 लोक प्रतिनिधि चुन कर आए हैं, ऐसा बाबा साहब विश्वास दिलाते हैं। फिर बाबा साहब कहते हैं कि इसलिए हमें क्या करना होगा, तो कहते हैं कि संगठित रहना होगा, संघ के रूप में इकट्ठा होना होगा। आज यह ऐसा ही परिपेक्ष हमारे सामने है, ऐसी ही स्थिति हमारे सामने है। इसमें एक रत्ती भर भी कोई कम नहीं है कि यह सिचुएशन हमारे ऊपर 70 साल के संविधान के बावजूद भी आज ऐसी स्थिति आई है। हम लोग हमारे अधिकार और हक उपभोग नहीं कर सकते, क्योंकि 3-3.5% लोगों ने हमें गुमराह कर दिया है, हमें बांट दिया है और हमें पता ही नहीं है। और हम कहते आए कि हमारा संविधान खतरे में है। दोस्तों, हमारा संविधान खतरे में नहीं है, वो तो किताब है, सिर्फ शब्दों से लिखी हुई। हम खतरे में बने हुए हैं, इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अगर क्या है, तो ये जो संगठन है, इन संगठनों को हम संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले हम इकट्ठा होते हैं। हमारी ये पहली जिम्मेदारी है कि समाज का भला अगर हम चाहते हैं, समाज को अगर सत्ता में लाना चाहते हैं, समाज के लिए हम प्रगतिशीलता की भावना रखते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे सारे जो जो
इंडिविजुअल ईगोज है, हमारे पद है, हमारे प्रतिष्ठा है, हमारा पैसा है और हमारा अहंकार है, इन बातों को हमें भूलना होगा और हमें एक जगह पर इकट्ठा आना होगा। अगर यही बात अगर हम करते हैं तो ही तथागत बुद्ध ने जो वज्जु को संदेश दिया था, तथागत बुद्ध ने जो पूर्ण की परीक्षा ली थी, उस परीक्षा में हम लोग खरे उतरेंगे। अन्यथा बाबा साहब ने जो कहा था कि मैंने 1956 में 15 अक्टूबर को धम्म दीक्षा के दूसरे दिन कहा था कि मैंने ये कारवा यहां तक लाया हूं, हो सके तो यही पे रुका देना, इसको यही पे रखना, पर किसी भी हालत में इसे पीछे नहीं जाने देना। और हम पीछे 70 साल की, पिछले 70 साल की जब हम एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, सोशल एनालिसिस करते हैं, कल्चरल एनालिसिस करते हैं और इकोनॉमिक एनालिसिस अगर हम करते हैं, तो हम इसमें ये पाते हैं कि क्या हम 70 साल में जो बाबा साहब ने संदेश दिया था, वो बाबा साहब का कारवा हम उसी जगह पर रुके हुए हैं या पीछे छोड़ दिया है। तो हमें ये आंसर मिलता है कि हमारा जो कारवा है बाबा साहब ने जा पर लाया था उससे पीछे दिखाई देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे हक और हुकूक के लिए हम इतना संघर्ष नहीं करते। आज हमारा रिजर्वेशन करीब करीब खत्म हो चुका है, आज हमारे पार्लियामेंट में जो लोक प्रतिनिधि बने हुए हैं उनके होते हुए 10% प्राइवेट में जो आरक्षण मिला है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट में है ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कहीं भी इसका उल्लेख संविधान में नहीं होते हुए भी उन लोगों ने हमारे ही 131 प्रतिनिधियों का वोट लेकर वो बिल पारित किया है। और हमारा जो हक और अधिकार है वो हक और अधिकार हमारे लोक प्रतिनिधि जागरूक नहीं होने की वजह से वैसा के तैसा ही पड़ा है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि समाज का प्रेशर लोक प्रतिनिधियों के ऊपर नहीं है। और अगर हम यहाँ पर आज चाहते हैं कि हमारे समाज का अगर प्रेशर पॉलिटिकल के ऊपर, पॉलिटिकल लोगों के ऊपर हो, तो हमें सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, धम्म के तौर पर और आर्थिक तौर पर इसके ऊपर हमें विचार करना होगा। और ये विचार करने के लिए कोई और दूसरा इंसान नहीं आएगा, क्योंकि बाबा साहब का संदेश है, बाबा साहब कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास इज इन्फ्लुएंशियल क्लास, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वही वर्ग जो प्रभावशाली वर्ग होता है। और हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी सभी हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग है, इसीलिए हमारा आज कर्तव्य बनता है कि हमने हमारे बीच के जितने भी विवाद होंगे, जितने भी हमारे कुछ हमारे एक दूसरे के प्रति के जो भी कोई भेद होंगे, ये सारे भेदों को हमने मिटाना है। और हम लोग अगर इकट्ठा आते तो ही विद द पीपल का प्रेशर समाज के ऊपर बढ़ने वाला है। मैं तो ये समझता हूँ कि विद द पीपल में आज हम लोग 161 लोग यहाँ पर है, केवल 161 लोग नहीं है, अगर हम गंभीरता से बाबा साहब के आंदोलन को समझते हैं, उसके प्रति वफादार रहते हैं और कार्य करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, 24/7 हम अलर्ट रहते हैं, जैसा कि बुद्ध ने सम्मा सती कहा है, आतापी संपजानो सतीमा, 24 घंटा हमें जागरूक रहना है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो आने वाले 1-2 साल में ये 160 प्रतिनिधि, केवल 160 नहीं है, ये करीब करीब 1,60,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारी ताकत ही इतनी बढ़ने वाली है, क्योंकि दिन ब दिन हम एक दूसरे के साथ, हमारे एक दूसरे के विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इसका परिणाम ये होगा कि अगर हम इतना अगर समझते हैं तो हमें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, तो हमें ऐसे कार्यकर्ता बनाने होंगे। तो एक कार्यकर्ता कैसे होंगे, तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि कार्यकर्ता के क्या गुण होते हैं, कार्यकर्ता अपने गुणों से संपन्न कैसे होता है, तो बुद्ध कहते हैं कि उसमें शीलवानता का एक गुण होता है। कार्यकर्ता अच्छा और सही, अगर कार्यकर्ता समाज के प्रति अच्छा काम करता है तो उसका सबसे बड़ा गुण क्या है, तो वो शीलवान होता है, वो निर्व्यसनी होता है, वो प्रज्ञावान होता है, वो विनयशील होता है, वो त्यागी होता है, वो स्वाभिमानी होता है, वो समतावादी होता है, वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता है, वो अभाव से दूर रहता है, वो संयम से संयमी होता है और वो विनयशील होता है, वो भिक्षु संघ में आस्था रखता है, बुद्ध विहार और बुद्ध के त्योहार और बुद्ध के जो कल्चरल एक्टिविटीज है और खासकर महिलाएं और लोगों के प्रति जागरूक रहता है। ये जो कार्यकर्ता होता है, यही कार्यकर्ता इकट्ठा रह सकता है
यही संघ बना सकता है, और इसी कार्यकर्ताओं का और इसी लोगों का अगर संघ हम बना पाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ 1-2 साल में हम इस देश में एक नई ऊर्जा पैदा करेंगे, नई ताकत पैदा करेंगे। औरों की छोड़ दो, मनुवादियों की और जो हमारे दुश्मन जैसे रहते हैं उनकी छोड़ दो, लेकिन हम लोगों के प्रति, हमारे जो लोक प्रतिनिधि है उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे और हमारी जीत होगी, क्योंकि विद द पीपल कहता है कि अगर ये लोग समाज के प्रति जागरूक है, समाज के प्रति अगर जिम्मेदार है, तो विद द पीपल का कोई काम नहीं है। विद द पीपल तो हम जो वो कहेंगे करते रहेंगे, लेकिन वो प्योर होनी चाहिए। यही एक हम लोगों से आशा करेंगे, और मैं समझता हूँ कि विद द पीपल के सभी साथी जो आज यहाँ पर इकट्ठा है, ये बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध की जो बात है, बुद्ध का संदेश है, बाबा साहब का जो आंदोलन है और बाबा साहब का जो संदेश है और संविधान का जो मूल ढांचा है, उसकी बात अगर गंभीरता से अगर समझेंगे तो विद पीपल एक दिन बहुत बड़ा संघ बनेगा, और इसके लिए रोकने की किसी में ताकत नहीं होगी और इसका कोई लीडर नहीं होगा। हमारी वज्जी जैसी ताकत होगी, लिच्छवी जैसी ताकत होगी। हम इकट्ठा बैठेंगे, इकट्ठा कर निर्णय लेंगे और समाज के ऊपर, लोक प्रतिनिधि के ऊपर थोप देंगे। अगर वो नहीं निभाएंगे तो उसको बदलने की भी ताकत और अहमियत हम रख सकते हैं। बस इतनी बात मुझे कहनी थी। आज आपने मेरा करीब 35 मिनट तक ये बात मेरी सुनी और शांतता से आपने सुना, इसीलिए मैं सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय संविधान। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि।